नमस्कार साथियों, तो चलिए आज हम बात करते हैं एमपी स्पेशल के पार्ट पांचवे की। इसमें देखेंगे हम भौगोलिक परिदृश्य। देश आपको बता दें, भारत का हृदय स्थल बोला जाता है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये भारत में दूसरे नंबर पे है, पहले पे राजस्थान क्षेत्रफल के आकार में, और कुल भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है मध्य प्रदेश। करक रेखा की बात करें तो करक रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इसमें कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, इन 14 जिलों से हमारी करक रेखा गुजरती है। आपको यहाँ बता दें, 18 देशों से करक रेखा गुजरती है। ये देश हैं मेक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितिनिया, इजिप्ट, मिस, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत, लीबिया। भारत के राज्यों की बात करें तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। चलिए विस्तार क्षेत्रफल में देखें, हम विस्तार देख लेते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक इसकी स्थिति है, और पूर्वी देशांतर में बात करें तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। आपको बता दें, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट की मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई है भारत की 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है इसका विस्तार, और पूर्वी देशांतर में बात करें तो 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक एमपी का विस्तार है। एमपी के विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम में 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 605 किलोमीटर। अब एमपी के बता दें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश लगा हुआ है मध्य प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, और पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, और दक्षिण में महाराष्ट्र। 5 राज्य एमपी की सीमा से लगते हैं। चलो आगे देखते हैं पड़ोसी राज्यों से एमपी के लगे जिले। एमपी के कौन कौन से जिले पड़ोसी राज्यों से लगे, तो यूपी से बता दें 14 जिले, पहले 13 थे, अब 14 जिले लगने लगे हैं। एक निवाड़ी नया जिला बन चुका है टीकमगढ़ से अलग होकर। इसमें यूपी में बात करें तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, निवाड़ी यूपी से लगने वाले एमपी के जिले हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, मुरैना, राजस्थान से 10 जिले लगते हैं। आगे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से 9 जिले हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात से 2 लगते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से लगते हैं हमारे 6, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। आपको सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं यूपी से, और सबसे कम लगती है गुजरात से, 2 जिले लग की सीमा क्षेत्रीय गुजरात। चलिए आगे देखते हैं पड़ोसी राज्यों के एमपी से लगने वाले जिले देख लेते हैं। यूपी के आगरा, इटावा, उरई, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, 12 जिले हैं जो एमपी से लगते हैं
यूपी के, उत्तर प्रदेश के। राजस्थान के जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली, जी राजस्थान के जिले हैं जो एमपी से लगते हैं। गुजरात की बात करें तो बड़ोदरा, दाहोद, ये दो जिले हैं जो एमपी से लगे रहते हैं, एमपी की सीमा से। मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के हैं धुले, भूसावल, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुलढाणा, जलगांव, नंदुरबार, गोंदिया, ये जिले हैं महाराष्ट्र के जो एमपी से लगते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, ये जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो एमपी से लगते हैं। चलिए भौगोलिक संरचना की बात करें एमपी के, तो एमपी गोंडवाना लैंड की लैंड यह प्रायद्वीपीय पठारी पठार का उत्तरी भाग है। इसके मध्य, पहले मध्य उच्च प्रदेश की बात कर लें, इसमें ये मध्य उच्च प्रदेश में शामिल है। इसमें नर्मदा सोन घाटी और अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार पठार है मध्य उच्च प्रदेश। आपको यह बता दें कि मध्य उच्च प्रदेश की स्थिति बता दें तो उत्तर में यूपी गंगा यमुना के मैदान से लगती है इसकी सीमा, और पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदान से, और दक्षिण में ताप्ती नदी और महाराष्ट्र का पठार से सीमा लगती है, और पश्चिम में राजस्थान गुजरात। मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो इसमें विंध्याचल, भांडेर, कैमूर श्रेणियां आती हैं, चंबल, बेतवा, कैन, ये नदी मध्य उच्च प्रदेश में, ये तीनों नदी यमुना में मिल जाती हैं, और ये इसे गंगा बेसिन का हिस्सा है। चलिए मध्य उच्च प्रदेश में पहला देखते हैं मध्य भारत का पठार। ये जलाक्रांत एवं मृदा अपरदन से ग्रसित क्षेत्र है। आपको बता दें मध्य भारत का पठार में एमपी के जिले हैं भिंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, नीमच, मंदसौर जिले शामिल हैं मध्य भारत का पठार में। इसकी स्थिति की बात कर लें तो पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि तक है, और उत्तर में यमुना का मैदान तक, और मालवा का पठार तक है दक्षिण में, उच्च भूमि राजस्थान तक है पश्चिम में। इसी में मध्य भारत का पठार में चंबल घाटी जो जलोढ़ निक्षेपण से बनी हुई है, और मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध, पार्वती, कुमारी, कुनू, ये प्रमुख नदियां हैं। मध्य भारत का पठार के कुछ वो देख उद्योग देख लेते हैं, कैलाश, डबरा, गुना में शक्कर का कारखाना है, ग्वालियर में बिस्किट, चीनी मिट्टी बर्तन, किंतिम रेशा, शिवपुर, बानमोर में कत्था कारखाना, बानमोर में सीमेंट का, चमड़ा उद्योग, एल्कोएड फैक्ट्री। स्थलों की बात कर लेते हैं तो स्थल हैं ग्वालियर दुर्ग, गुंजरी महल, हिडोला द्वार, मोती महल, सास बहू का मंदिर, सरोदघर, तेली का मंदिर, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, ये सभी स्थल मध्य भारत का पठार में शामिल हैं। चलिए दूसरा है हमारा बुंदेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उसमें दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, यह अपरदित सतह है। आपको बता दें बुंदेलखंड के पठार में एमपी के जिले छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी की पिछोर और करेरा तहसील शामिल है, और दतिया पूरा जिला शामिल है, ग्वालियर की डबरा और भांडेर तहसील शामिल है बुंदेलखंड के पठार में, भिंड की लहार तहसील शामिल है बुंदेलखंड के पठार में। यूपी की बात कर लें तो यूपी के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा जिले शामिल है बुंदेलखंड के पठार में। इसके बुंदेलखंड के उत्तरी सीमा यमुना नदी से बनती है, और आपको बता दें बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पहाड़ी पर है 1172 मीटर। नदी की बात कर लें बुंदेलखंड की तो बेतवा, कैन, धसान, कैन पर एक गंगऊ जलाशय बना हुआ है जो छतरपुर में, ये प्रमुख नदियां हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में उद्योग धंधों की बात करें तो चंदेरी जरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, टीकमगढ़ सरमेंट के लिए, और बीड़े उद्योग के लिए।
बुंदेलखंड के प्रमुख स्थलों की बात कर लें तो खजुराहो के मंदिर, चंदेल मंदिर, इनकी मंदिरों की स्थापना कर खजुराहो के मंदिरों की स्थापना करवाई थी चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी में। वो आपको बता दें 1986 में इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। चंदेरी का किला बुंदेलखंड राजाओं के किले ओरछा में, दतिया का सतखंडा एवं पीताम्बरा पीठ, हवा महल, जोहर कुंड, खूनी दरवाजा, नौखंडा महल, ये स्थल भी बुंदेलखंड में शामिल है। अगला तीसरा है हमारा रीवा पन्ना का पठार, ये विंध्याचल कंगार प्रदेश में स्थित है। इसमें शामिल जिले रीवा पन्ना के पठार में जिले हैं रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर की रेहली, बरंडा तहसीलें भी शामिल है। यहाँ उद्योग धंधों की बात करें तो सीमेंट, कत्था, लाख बनाने के कारखाने यहाँ हैं रीवा पन्ना के पठार में। आपको बता दें रीवा पन्ना का पठार विंध्याचल कंगार का प्रदेश भी बोला जाता है इसे। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। खनिजों की बात करें तो यहाँ पाए जाते हैं बॉक्साइट, चूने का पत्थर, हीरा, सतना के मझगांव में से रामरस भी प्राप्त होता है। रीवा पन्ना के पठार की बात करें नदियों की तो कैन, टॉन्स, सोन, बिहा, वेरमा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। जलप्रपात की बात करें रीवा पन्ना के पठार की तो चचाई, केवटी, बहुटी, पूर्वा यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं। और स्थलों की बात करें तो भरहूत स्तूप सतना में, शारदा मंदिर एवं अलादीन संगीत अकादमी मेहर में, चित्रकूट, रीवा का किला, गोविंदगढ़ का किला, बसावन मामा की तटोस्त्री यहीं स्थित है। चौथा है हमारा मालवा का पठार, दक्कन टेप, ये पश्चिमी भाग में स्थित है मध्य प्रदेश के, और इसके मध्य से करक रेखा गुजरती है मालवा के पठार से। आपको बता दें चीनी यात्री फयान ने मालवा की जलवायु को, मालवा के पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। यहाँ मालवा के पठार में जिलों, मध्य प्रदेश के जिलों की बात कर लें तो उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, मंदसौर, धार, गुना, भोपाल, रतलाम, झाबुआ, देवास, सागर, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, अलीराजपुर, आगर, मालवा, इतने जिले शामिल हैं मालवा के पठार में। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला भी लगता है, कुंभ भी होता है, 12 साल में होता है ना कुंभ। सीहोर में अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है सीहोर। यहाँ के उद्योगों की बात करें तो नागदा का कृत्रिम रेशा, इंदौर, रतलाम, देवास, देवास में नोट छापने की कारखाना वो है, और इंदौर में मिनी मुंबई भी बोला जाता है इंदौर को। सूती कपड़ा उज्जैन और भोपाल में, भोपाल में भेल भी है, तेल शोधक बीना में, सागर में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं नदियों की। मालवा के पठार की नदियां प्रमुख चंबल, कालीसिंध, सोनार, माही, छिप्रा, पार्वती, बेतवा, निवाज, तिंदोनी, वरना, छोटी कालीसिंध। मालवा के पठार के दर्शनीय स्थल भी देख लेते हैं, सांची का स्तूप, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, भीमबेटका, महाकाल मंदिर उज्जैन में, ताजुल मस्जिद भोपाल में, मानव संग्रहालय, राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में, बाघ की गुफाएं धार में, मांडू का किला भी मालवा के पठार में स्थित है। प्रमुख चोटियां देख ली तो सिगार, जैनापा, धजारी यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। पांचवा है हमारा नर्मदा सोन घाटी। इसमें बता दें खनिज है यहाँ के चूना, पत्थर, मैग्नीज, संगमरमर, कोयला, चीनी यहाँ के प्रमुख खनिज। नर्मदा सोन घाटी में जिले शामिल है एमपी के अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, ये जिले शामिल है नर्मदा सोन घाटी में। यहाँ की नर्मदा सोन घाटी की नदियों की बात करें तो नर्मदा, सोन, जोयला, तावा, कुंदी, दुधी, वरना है। आपको बता दें नर्मदा भेड़ाघाट और सप्त धारा भी शामिल स्थित है। नर्मदा नदी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है। नर्मदा सोन घाटी के स्थलों की बात कर लें तो तिगवा मंदिर जबलपुर में, रूपनाथ अशोक शिलालेख, नवदा टोली खरगोन, पेशन हारी मंदिर भी यहीं स्थित है। अगला है हमारा सतपुड़ा शेरडी। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण से पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत है। आपको बता दें कि सतपुड़ा शेरडी नर्मदा व गोदावरी जल को दो विभाजक करती है, मतलब बांटती है। यहाँ की श्रेणियाँ हैं राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी, इसमें ग्वालियर गढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी मध्य श्रेणी में स्थित है,
तीसरी है मैकाल सैनी अमरकंटक, यहाँ से नदियाँ अमरकंटक से नर्मदा सोन जोहिला नदियों का उद्गम होता है। यहाँ जिले को देखते हैं, इसमें होशंगाबाद, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, सतपुड़ा सैंडी में जिले एमपी के। आपको बता दें कि बालाघाट में तावा की मलाजखंड खदान है और बैतूल में पैंच घाटी में संगमरमर है और छिंदवाड़ा में चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सतपुड़ा की नदियों की बात कर लें तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती, बैनगंगा, तावा, सक्कर, वर्धा, गार। यहाँ के स्थलों की बात कर लें, प्रसिद्ध स्थल तो पचमढ़ी, असीरगढ़ का किला, बादशाही किला, बीवी की मस्जिद, बुरहानपुर सतपुड़ा सैनी में स्थित है। अगला हमारा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ जिलों की बात करें तो शहडोल, सीधी, अनूपपुर, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, कटनी का मुडावरा तहसील शामिल है इसमें पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में। आपको बता दें, इसकी तिथि बता दें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश से सीमा लगी हुई है और पश्चिम में बघेलखंड और दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मंडला जबलपुर से लगे पश्चिम में। ठीक, पूर्व में बिहार से अलग है सीमा इसकी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें इसमें। आपको बता दें शहडोल में अमलाई पेपर मिल स्थित है और सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी भी बोला जाता है। उमरिया है, इसे लाक कारखाना है, उमरिया में मात्र सरकारी कारखाना। चलिए, लाक का कारखाना उमरिया में। यहाँ खनिज की बात कर लें तो यहाँ खनिज मिलते हैं चूना पत्थर, फायर क्ले, कोयला, बॉक्साइड। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें बघेलखंड की तो सोन, टोंस, रेंद, रेणुका, कानर, हसदेव, गोपक, बनास। आपको बता दें यही बघेलखंड में अमरकंटक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है और जलप्रपात की बात करें तो कपिलधारा और दुग्धधारा यहीं स्थित है। मध्य प्रदेश के पर्वतों की बात करें तो विंध्याचल, ये भांडर कैमू सैंडी से पश्चिम में मुरैना तक स्थित है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। अमरकंटक विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा है राजपीपला पर्वत श्रेणी, यह पश्चिमी भाग में भाग से पूर्व में बुरहानपुर दर्री तक विस्तृत है। राजपीपला पर्वत में शामिल पहाड़ी है रापीपला की पहाड़ी, अखरानी पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, बीजागढ़, असीरगढ़ पहाड़ियां शामिल है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में स्थित है सतपुड़ा पर्वत। यहाँ की बात बताएं कि सतपुड़ा में धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पर्वत श्रेणी में आती है 1350 मीटर। चौथा है मैकाल पर्वत श्रेणी, एक पूर्वी विभाग में मैकाल का पठार भी बोला जाता है। एक पूर्वी सीमा इसकी पूर्वी सीमा है अधचंद्रगढ़। मध्य प्रदेश के शैल समूहों की बात कर लें तो आग महाकल्प चट्टान माल इसका क्षेत्र मालवा दक्कंट है, बुंदेलखंड, विंध्याचल, विंध्याखंड सागर। इसमें ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, नीस, सिल, डाइक प्रमुख खनिज। सॉरी दोस्त, अगली हमारी धारवाड़ सेल समूह, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है धारवाड़ में। ये दक्षिण मध्य प्रदेश बुंदेलखंड, विंध्याचल मध्य प्रदेश, मध्य विजयावर श्रेणी तक। इसमें बुंदेलखंड में चिफली श्रेणी बालाघाट में स्थित है, सोनसर श्रेणी छिंदवाड़ा। तीसरा है पुराना सेल समूह पन्ना और ग्वालियर है, बीजावर श्रृंखला पन्ना पठार में ग्वालियर तक। अगला है हमारा विंध्यन सेल समूह, रीवा से चंबल तक। इसमें सोनघाटी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, सीवा श्रेणी शामिल है। तृतीय सेल समूह है दक्षिण पूर्व से में मध्य प्रदेश में, इसमें शामिल गोंडवाना महाद्वीप को दुवन से दक्षिण पठार का स्वरूप स्थित है। गोंडवाना सेल समूह की बात करें तो सतपुड़ा बघेलखंड, इसमें पेच घाटी, देनवा, बागरा, पचमढ़ी, महादेव श्रेणियां शामिल है। अगला है दक्कन टेप मालवा का पठार, सिंगार श्रेणी, जानापाव इसमें शामिल है। चलिए दोस्तों, तो हमने आज देख लिया है पांचवा पार्ट, अगले में बात करेंगे एमपी स्पेशल के छठवे पार्ट की। और इस पार्ट चल रहे हैं जो एमपीपीएससी या एमपी के लिए अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हें शेयर भी कर दीजिए जिससे और भी आपके दोस्तों को फायदा हो सके।